नहीं होती, ये प्लेन है, स्ट्रेट है। इसके अंदर हम कोई भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी हमने पोजीशन शीट पे मारनी है, लगानी है, अगर वो इसके लेवल से ऊपर है या नीचे है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते प्लेन एल्डेड का, डिफिकल्टी रहेगी हमें। अगर हमारे पास टेलीस्कोपिक एल्डेड है, तो हम इसकी मदद से कोई अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका लेवल हमारी ड्राइंग शीट से ऊपर है या नीचे है, तो हमने उसकी पोजीशन लगानी है अपनी शीट के ऊपर, उससे आती हुई रे मारनी है शीट के ऊपर, तो हम ये टेलीस्कोपिक एल्डेड का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप जो है वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, इसकी लाइन ऑफ साइट जो है इंक्लाइंड हो सकती है। यही फर्क होता है टेलीस्कोपिक और प्लेन एल्डेड में, पर ज्यादातर काम हमारा प्लेन एल्डेड से सारा कंप्लीट हो जाता है। टेलीस्कोपिक एल्डेड में क्या होता है, यहाँ पे अब इसके अंदर भी जब हम बाइसेक्ट कर लेंगे टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट को, तो नीचे लाइन मारनी पड़ेगी। लाइन मारने के लिए एक फिडुशियल एज चाहिए, बेवल्ड एज चाहिए, स्ट्रेट एज चाहिए, ये जो नीचे है ये है वो। इसके ऊपर क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है, स्केल से हम लाइन मार के उसको, अपने जो भी आपका स्केल लिया आपने उससे आप कट ऑफ कर सकते हो। इसके ऊपर एक स्पिरिट लेवल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब भी लगी होती है टेबल का लेवल चेक करने के लिए। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे आईपीस होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस होता है, इंटरनल फोकसिंग होता है, बबल ट्यूब भी लगी होती है। तो ये जो स्टूडेंट था, ये क्या था, ये आपका एलिडेड की टाइप थी, सेकेंड टाइप ऑफ एलिडेड। ये हमारे तो यहाँ पे नहीं यूज होता, रेयर यूज है। हमारा जो सा मेन काम सारा प्लेन एलिडेड से ही हो जाता है। तो ये जो आंसर एलिडेड था, ये था टेलीस्कोपिक एलिडेड। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखना है वो है ट्रफ कंपास। जब आप सब लोगों ने प्लेन टेबल यहाँ सर्वेइंग परफॉर्म करा था, जब पिछले हफ्ते आए थे, तो आपने नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करी थी आपने अपनी शीट के ऊपर। ये सबसे पहला काम होता है जब आपने प्लेन टेबल सर्वेइंग शुरू करनी है ना, जब आपने प्लेन टेबल सर्वेइंग शुरू करनी है, आपने क्या करना है, टेबल को सेट कर दिया अपने स्टेशन पॉइंट के ऊपर, तो शीट लगा दी। सारा काम शुरू करने से पहले सबसे पहला काम ये होता है, चाहे जो मर्जी सर्वेइंग हो, चाहे चेन कंपास लेवल भी लगा लो, चाहे प्लेन टेबल, जिस तरह की मर्जी सर्वेइंग हो, सबसे पहला काम ये होता है कि नॉर्थ लगानी है। तो जब आप लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म करी थी प्लेन टेबल सर्वेइंग, आपने अपने ड्राइंग शीट के ऊपर नॉर्थ लगाई थी आपने यस अपने, सर। हाँ जी, तो वो नॉर्थ विद द हेल्प ऑफ एक आपकी कंपस थी, कंपस जो सी आपने कंपस यूज करी थी वो बॉक्स टाइप कंपस थी, बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप कंपस थी। देखो कंपस अलग अलग तरह की होती है, हमने प्रिज्मेटिक कंपास में भी पढ़ा, हमने जब कंपास सर्वेइंग का चैप्टर किया था उसमें हमने सर्कुलर कंपास पढ़ी थी, प्रिज्मेटिक कंपास है ना, जब हमने कंपास सर्वेइंग का चैप्टर किया था तो उसके अंदर हमने सर्कुलर कंपास पढ़ी थी, गोल वाली, आपको दिखाई भी थी, यहाँ पे दिखाई भी होगी मैंने, यहाँ पे फोटो यहाँ भी दिखाई थी आपको जो पढ़ाया था चैप्टर थ्योरी में। तो वो सर्कुलर कंपास थी, वो प्रिज्मेटिक कंपास है ना, प्रिज्मेटिक कंपास, वो भी हमें मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाती थी, मतलब कि जिस दिशा में नॉर्थ है नॉर्थ की दिशा को दिखाती थी। ये कंपास जो है स्टूडेंट, ये है बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर कंपास, ये गोल तो नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, तो इसे बोलते हैं बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर कंपास। ये जो सी कंपास होती है, ये होती है ट्रफ कंपास, इसे बोलते हैं TROUGH, ट्रफ कंपास। प्लेन टेबल सर्वेइंग में ज्यादातर हम जो सी कंपास यूज करते हैं वो जो सी होती है हमेशा, ज्यादातर क्या, हमेशा हम ट्रफ कंपास ही यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए मेन जो सी, ये स्पेसिफिकली प्लेन टेबल सर्वेइंग में ही यूज होती है ट्रफ कंपास। अब ट्रफ कंपास का भी वही काम है, ट्रफ कंपास में जो सी नीडल लगी होती है, नीडल जो सी है उसने क्या, हमेशा उसने किस तरफ पॉइंट करना है, एक एंड उसका जो सा रहेगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ, वही दिशा है जिस जिस डायरेक्शन को प्रिज्मेटिक कंपास दिखाती है, उसी डायरेक्शन को ये ट्रफ कंपास दिखाती है सेम। उसमें भी मैग्नेटिक नॉर्थ था, इसमें भी मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो हम मैग्नेटिक नॉर्थ जो सी है अपनी शीट के ऊपर मार्क कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास, जो कि क्या है, ट्रफ कंपास है। इसमें होता क्या है, ट्रफ कंपास में ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये नॉन मैग्नेटिक बॉक्स होता है, मतलब अगर कोई इसके आसपास मैग्नेटिक मटेरियल है तो जिस बक्से, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स, ये बॉक्स नॉन मैग्नेटिक होता है, ताकि जो अंदर नीडल लगी हुई है, कंपास लगी हुई है, उसका कोई इफेक्ट ना पड़े आसपास के किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये नॉन मैग्नेटिक बॉक्स में होती है, इसके अंदर नीडल होती है, और नीडल जुड़ी कैसे होती है, पिवट सेंटर में पिवट होता है, नीडल होती है, दोनों तरफ पॉइंटेड होती है, एक तरफ नॉर्थ एंड लिखा होता है, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पता ही है, अंडरस्टूड ही है कि साउथ रहेगा। यहाँ पे एक नॉब लगी होती है, नॉब इसलिए लगी होती है ताकि इसको हम, अगर हमने रोकना है, स्टिल करना है, लॉक लगाना है एक तरीके से, तो हम इसको रोक सकते हैं कंपास को, अगर नॉब को प्रेस, इसको चूड़ी, इसको सक्रिय होता है नॉब भी, अगर हम नॉब को दबा दें तो ये कंपास रुक जाती है, अगर लॉक हो जाती है, अगर नॉब को ढीला कर दें, लूज कर दें, तो ये कंपास जो है वो फ्रीली मूव करती है, जब फ्रीली होती है तो ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। क्लियर, इसका हम यूज करते हैं अपनी शीट पर नॉर्थ लगाने के लिए। हम जो हमारी ड्राइंग शीट है उसका टॉप में राइट, जो टॉप हिस्सा है ड्राइंग शीट का, टॉप वाला, उसका पूरा राइट कोना, टॉप राइट कॉर्नर, जैसे जो ड्राइंग शीट है उसका, जैसे आप अपनी जब ड्राइंग शीट बनाते हो ड्राइंग हॉल में, तो आप क्या करते हो, जो टाइटल बॉक्स बनाते हो वो नीचे बनाते हो, वो है बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम मतलब नीचे और बिल्कुल राइट में,
ऐसे ही इसका उल्टा जब हम प्लेन टेबल सर्विंग करते हैं तो हम टॉप राइट कॉर्नर जो शीट का टॉप है और उसका राइट साइड बिल्कुल राइट में वहां पर हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ सबसे पहले काम शुरू करने से पहले पहला काम ये है कि जो मर्जी सर्विंग हुए आपने नॉर्थ लगानी है और वो भी मैग्नेटिक नॉर्थ लगानी है। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस रफ कंपास अपनी प्लेन टेबल सर्विंग के अंदर प्लेन टेबल की जो आपकी शीट है उसके ऊपर आप अपनी मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट यूज होता है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? यू फ्रेम और प्लम्बिंग फोर्क। अब आपने देखा होगा यू फ्रेम होता है, फोटो में दिखाता हूँ, ये देखो आपको फिगर दिख रही, फोटो दिख रही है सबको, ये फोटो दिख रही है सबको, ये फोटो विजिबल है? यस सर। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये यू यू की फॉर्म में क्या है, एक ये फ्रेम सा है, यू फ्रेम, यू यू मतलब यू इंग्लिश का यू होता है ना वर्ड अल्फाबेट, तो ये यू की तरह है तो इसको हम यू फ्रेम कहते हैं। इसका एक एंड जॉन्स होता है पॉइंटेड होता है तिखा होता है, दूसरे एंड पे क्या हुक लगी होती है, हुक हुक का फायदा क्या है, इसे हम क्या करते हैं थ्रेड के साथ धागे के साथ जो प्लम्ब है उसको नीचे सस्पेंड कर देते हैं, मतलब इसका जो सा यहाँ हुक लगी है इसके साथ धागा धागे से जो सा हमारा प्लम्बॉब है उसको बांध के नीचे लटका देते हैं। प्लम्बॉब कुछ नहीं होता जो बेसिकली जिसको हम पंजाबी में कहते हैं साल, साल होता है ना, साल होता है, साउल होता है, वो साल ही होता है प्लम्बॉब। तो प्लम्बॉब जो सा है वो जो सा इसके साथ फिक्स हो जाता है। इसका फायदा क्या है, जो हमारा ये काम आता है सेंटरिंग करने में, जब आपने प्लेन टेबल सर्विंग परफॉर्म करी थी आपने सेंटरिंग करी थी, आपने क्या किया था जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको अपनी शीट के ऊपर शिफ्ट करा था, तो वो किस विद द हेल्प ऑफ किस चीज से हम करते हैं उसको, इस यू फ्रेम से करते हैं। हम क्या करते हैं जो भी जमीन का पॉइंट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये जो नीचे प्लम्बॉब है, ये जो नीचे साउल है, ये जो साउल है साल जो है इसको हम नीचे उसके ऊपर बिल्कुल वर्टिकली कर देते हैं जमीन के ऊपर जिस पॉइंट को हमने शीट के ऊपर लगाना होता है, और फिर जो हमारा ये यू फोर के साथ ये तिखा जो पासा होता है ये हमारी शीट के ऊपर आ जाता है जो ड्राइंग बोर्ड पे लगी हुई है, और हम उस इस जहाँ पे ये तिखा हिस्सा होता है पॉइंटेड एंड होता है इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं या पॉइंट लगा लेते हैं या कोई पेन लगा लेते हैं, तो वो जो सा पॉइंट आ गया वो हमारा जो ग्राउंड का पॉइंट है नीचे वाला वो हमारी शीट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, शीट के ऊपर हम उसकी निशान लगा लेते हैं। तो उस चीज को करने के लिए ये वाला यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, इसे बोलते हैं या इसे हम यू फ्रेम भी कह सकते हैं, यू फ्रेम विद प्लम्बॉब, या इसे हम प्लम्बिंग फोर्क भी कह सकते हैं, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसको हम प्लम्बिंग फोर्क भी कह सकते हैं, सब कुछ एक ही चीज है, यू फ्रेम विद प्लम्बॉब कह लो, यू फ्रेम कह लो, प्लम्बिंग फोर्क कह लो, तो जैसा मर्जी जो मर्जी कह लो, इसका मेन पर्पस क्या है, सेंटरिंग मतलब जो जमीन का पॉइंट है उसको आपने शीट के ऊपर उतारना है, जो जो हमारा प्लेन टेबल है और प्लेन टेबल पर शीट लगी हुई है उसके ऊपर जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट एग्जैक्टली वर्टिकली अबव होना चाहिए जो हमारा ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, तो उसको काम को करने के लिए सेंटरिंग